नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धीरेंद्र डबास द ट्रेवल देसी में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त धीरेंद्र डबास। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि बैंकॉक में आप कहां कहां घूम सकते हैं। तो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन इन बैंकॉक, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन बैंकॉक। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा कि आप सस्ते में कहाँ रुक सकते हैं और उसके आसपास कहाँ घूम सकते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैं चल पड़ा हूँ अब पताया से बैंकॉक के लिए और मैंने ली है टैक्सी। और टैक्सी का जो किराया है वो है 1200 baht, जो मुझे छोड़ेगा बैंकॉक मेरे हॉस्टल के सामने। तो फ्रेंड्स, 3 दिन पताया सिटी में गुजारने के बाद अब मैं निकल पड़ा हूँ 2 दिन के लिए बैंकॉक में। और मैं रुका हूँ बैंकॉक बैट स्टेशन हॉस्टल खाउसान रोड पे। तो दिखाऊंगा आपको हॉस्टल कैसा है और 3 दिन यहाँ मैं कहाँ कहाँ घूमा। आने वाले वीडियोस में तो आपको पता चल ही जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप टैक्सी लेते हैं तो मात्र 1200 baht में आप जो है पताया से बैंकॉक अपने किसी भी होटल में, किसी भी हॉस्टल में पहुंच सकते हैं। आप ये जो है बस से भी जा सकते हैं दोस्तों। पहले आपको जो है पताया से जो है नॉर्थ पताया में जाना पड़ेगा, वहाँ बस स्टैंड है बैंकॉक के लिए बसों के लिए, या फिर जोमटिन जाना पड़ेगा। जोमटिन से जो बसें चलती हैं वो एयरपोर्ट पर जाती हैं, और जो नॉर्थ पताया से जो बस चलती है वो सीधे बैंकॉक टर्मिनल पे जाती है। तो फिर बैंकॉक टर्मिनल से आपको दोबारा जो है बस लेनी पड़ेगी, टैक्सी लेनी पड़ेगी अपने हॉस्टल के लिए। तो अराउंड उतना ही हो जाता है, लगभग 200-300 रुपये का जो है फ़र्क आता है। यदि आप सोलो ट्रैवलर हैं तो फिर आपको जो है बस से जाने में फ़ायदा है। यदि आप 3-4 हैं तो फिर आप जो है टैक्सी लीजिए, टैक्सी आपको जो है सस्ती पड़ेगी और अच्छी भी रहेगी आपके लिए। तो चलिए, और अब जो है आगे मैं आपको दिखाऊंगा बैंकॉक में क्या क्या घूमने लायक है और हॉस्टल कैसा है। तो बने रहिए, और यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ज़्यादा अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, हम अपने हॉस्टल पहुँचेंगे लगभग 1 घंटा 45 मिनट में और हम बैंकॉक पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों, काफ़ी सुंदर नज़ारों का आनंद उठाते हुए हम जा रहे हैं अपने हॉस्टल। मेरे हॉस्टल का नाम है बेड स्टेशन हॉस्टल और ये खौसान इलाके में है। खौसान जो रोड है, जो मोस्ट फेमस रोड है दोस्तों, उससे मात्र 150 मीटर दूरी पे है। और अब मैं पहुंच चुका हूं उस गली में, जिस गली से अंदर जो है ये बेड स्टेशन। तो अब हम आ पहुँचे अपने बेड स्टेशन हॉस्टल में, और ये है मेरा बेड स्टेशन हॉस्टल। यहाँ पे मैं रुकूंगा 2 रात, दिखाते हैं कैसा है ये। तो दोस्तों, इस बेड स्टेशन की जो कॉस्ट आई मुझे वो आई 1170 baht, और ये लगभग 2900 रुपए के आसपास होता है। यदि आप टाइम से पहले आ जाते हैं तो यहाँ पर अपना लगेज सभी जो है रख देते हैं, और चेक इन टाइम है यहाँ पे 2:30। तो चलिए, तब तक हॉस्टल देखते हैं दोस्तों। तो ये है बेड स्टेशन बैंकॉक खाउसान रोड, ये इसका कैफेटेरिया और ये इसका छोटा सा स्विमिंग पूल। चेक इन टाइम 2:30 और अभी समय हुआ है लगभग 12:45। तो हमें वेट करना है 1 घंटा 45 मिनट, उसके बाद हमें बेड मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे पास समय है और हम चलते हैं कुछ खाने, क्योंकि भूख लगी है, दोपहर का टाइम है और हम आ गए हैं इस कॉर्नर पर स्ट्रीट फूड खाने। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी लोग जो है खाना खाते हैं जो यहाँ आसपास हॉस्टल्स में रुके। हमने ऑर्डर किया है चिकन फ्राइड राइस एंड वेज फ्राइड राइस, एग फ्राइड राइस 80 baht। तो यू कैन इन्जॉय। तो फ्रेंड्स, ये हैं चिकन फ्राइड राइस और मेरे फ्रेंड ने लिए एग वेजिटेबल फ्राइड राइस। तो दोनों ही काफ़ी अच्छे थे, 80-80 baht में ये जो है हमें पड़े, और काफ़ी टेस्टी फूड था, हमने इंजॉय किया। तो अभी चलिए वापस चलते हैं दोस्तों, चेक इन करना है अपने हॉस्टल में।
तो फ्रेंड्स मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आपको सस्ते में खाना खाना है बैंकॉक में, तो आप स्ट्रीट फूड यानी कि थाई फूड जो है ट्राई कीजिए, ये काफ़ी टेस्टी है, काफ़ी अच्छा है और सस्ता भी है। तो यदि आप यहाँ इंडियन फूड को ढूंढेंगे खाएंगे तो वो आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा। और ये इस लाइन में दोस्तों जो है स्मूदी है, जूस है और काफ़ी कुछ है खाने पीने के लिए, तो आप यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। और जहाँ ये बेड स्टेशन हॉस्टल है दोस्तों, यहाँ भी कई सारे हॉस्टल और भी हैं। तो अब मैं जो है आ पहुँचा हूँ अपने डॉर्म में, तो चलिए आपको दिखाता हूँ। ये है हमारा डबल बेड, हम दोनों को जो है ये डबल बेड, यहाँ पर सिंगल डोरमेट्री भी है दोस्तों और डबल डोरमेट्री भी है। और इस जो ये रूम है इसमें जो है छः जो है डबल बेड, ये तीन नीचे तीन सामने तीन तीन ऊपर, यानी ये टोटल 12 डबल बेड थे दोस्तों। और इसमें जो है सेंट्रलाइज एसी था, काफ़ी अच्छा था। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ का वॉशरूम कैसा था। यहाँ लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए वॉशरूम अलग अलग थे, काफ़ी अच्छे थे और नीट एंड क्लीन था। और ये है इसका कैफेटेरिया, आप यहाँ से जो है सॉफ्ट ड्रिंक हार्ड ड्रिंक ले सकते हैं। और यदि आप चाहें तो आप बाहर से खाना लाके या बाहर से बियर या जो है कोल्ड ड्रिंक लाके आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों जब तक हमारी जो है हॉस्टल में पूल पार्टी शुरू होती है, तब तक हम जो है एक राउंड लगा के आते हैं इस खौसान जो एरिया है दोस्तों, क्योंकि हमारा जो हॉस्टल है वो बिल्कुल खौसान में ही है और खौसान रोड यहाँ से मात्र 150 मीटर दूर है। तो हम चलते हैं वॉकिंग पर और देखते हैं आसपास जो है यहाँ का जो है कैसा माहौल है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर देखा बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और ये जो इलाका है ये पॉश इलाका है दोस्तों यहाँ का खौसान का, क्योंकि इसके आसपास ही ग्रैंड पैलेस है, स्लीपिंग बुद्धा टेम्पल है, और यहाँ की जो डिफेंस मिनिस्ट्री का जो है ऑफिस है, और बड़े चौड़े चौड़े रोड हैं। तो दोस्तों ये जो है अपने आप में जो है एक जो है पॉश इलाका जो होता है वो बैंकॉक का ये पॉश इलाका है। और इस इलाके में मोस्टली जो है फैमिलीज़ सोलो ट्रैवलर जो है आना पसंद करते हैं। तो मैं लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का जो है यहाँ पर जो है राउंड लगा के आया, तो काफ़ी सुंदर था। इस वीडियो में मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि ये दिखाने की कि आप यदि जो है इस खौसान इलाके में रुकते हैं तो आपके पास जो है घूमने का फिरने का क्या क्या है। और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही दोस्तों जो है कैनाल है, आप जो है कैनाल में जो है स्टीमर से बोट से जो है घूम सकते हैं। और यहाँ पर खाने पीने की कोई कमी नहीं है, यहाँ स्मूदी और जूस लाजवाब हैं दोस्तों। और ये हैं यहाँ के जो नॉन वेज फूड जो लोग यहाँ पर खाना पसंद करते हैं, हमें तो सिर्फ ये चिकन ही समझ में आता है दोस्तों, तो हमने तो चिकन ही खाया, बाकी यहाँ जो है नॉन वेज खाने के लिए जो है भरमार है। और हम घूमते घूमते आ पहुँचे हैं ये सामने खौसान रोड पर दोस्तों, क्योंकि जो है जो मैं बता रहा था आपको, हमने 2 किलोमीटर का राउंड लिया और हम जो है वापस आ पहुँचे खौसान रोड। तो खौसान रोड जो है दोस्तों अगले वीडियो में आपको दिखाऊँगा, केवल जो है आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाना चाह रहा था अपना जो है हॉस्टल और इस हॉस्टल के आसपास की जगह। तो अगले वीडियो में आपको खौसान रोड दिखाऊंगा, पूरा नाइट लाइफ दिखाऊंगा, वहाँ की पार्टीज दिखाऊंगा। तो दोस्तों अब मैं वापस घूम के आया हूँ और ये चल रही है मेरे हॉस्टल में आज पूल पार्टी। तो सभी जो है सारे के सारे सोलो ट्रैवलर्स जो है अपनी पूल पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं, आप भी कीजिए और जो है लेट्स रॉक। तो बड़ा मज़ा आया दोस्तों, मैं जो है इस हॉस्टल में 2 नाइट्स रुका था और जो है यहाँ पर काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी अच्छा जो है हॉस्टल है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में खौसान में। तो यहाँ जो है जूस जो है वेरी टेस्टी है, खाना बड़ा अच्छा है। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।